आज मैं आपके सामने बच्चों से जुड़ी हुई एक समस्या लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्या आप सबने सोचने की कोशिश की है? मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप सबका ध्यान इसकी तरफ ले जा सकूँ। मैंने कुछ समय पहले सितंबर में आइडिया का आइडिया तो काम कर गया, एक वीडियो बनाया था ऑनलाइन एजुकेशन पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने कहा कि बच्चों का साल बर्बाद होने से बच गया, लोगों का ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं था कोरोना की वजह से, लेकिन वो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। नो डाउट फायदा हो रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, समय पे सैलरी आ रही है, उनका घर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान तो हो रहा है। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ तो बच्चे टीवी से या फोन से या लैपटॉप से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो 3 या 4 घंटे तो वो बैठे ही रहते हैं स्क्रीन के सामने, तो वो स्क्रीन की लाइट कितनी हार्मफुल है ये आप सबको मालूम है। जब बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम उन्हें बार बार रोकते हैं कि इतने पास से मत देखो, टीवी देख रहे हो तो थोड़ा सा दूर बैठकर देखो, आंखों पे दबाव पड़ेगा, आंखें खराब होंगी, क्योंकि घर में वो कंफर्टेबल फर्नीचर सबके पास होना ज़रूरी तो नहीं है। स्कूल या कॉलेज में हम जिस तरीके से पढ़ते हैं या बैठते हैं वो घर में पॉसिबल नहीं है, तो क्या होता है, बच्चे या तो सोफे पर बैठकर पढ़ रहे हैं या बेड पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उसमें उचित दूरी पर स्क्रीन का होना वो तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे पास में फ़ोन रख के पढ़ रहे हैं क्योंकि सबके पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन से पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेहत को नुकसान पहुँच रहा है। और फिजिकल हेल्थ की बात करूँ तो इसके भी बहुत से नुकसान हो रहे हैं। जब एक ही पोजीशन में बच्चे बैठे रहते हैं तो पोस्चर बिगड़ता है, क्योंकि इस तरह तनकर बहुत देर तक बच्चे नहीं बैठ पाते, धीरे धीरे वो झुक जाते हैं या तकिया अपने पास रख लेते हैं या इस तरह झुक के पढ़ते हैं, कई बच्चे तो लेट कर पढ़ते हैं, तो इस तरह से उनका अगर पोस्चर बिगड़ेगा तो उनकी बैक में, गर्दन में, शोल्डर में, पैरों में दर्द होता है और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बच्चे अगर इस चीज़ को नोटिस न करें तो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीज़ उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। अगर 3 से 4 घंटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उठेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद उन्हें रिविज़न भी करना है और अगर टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट की तैयारी भी करनी है, यानी फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल बंद हो गई। और जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी बंद हुई वहीं पर बच्चों ने वेट गेन करना शुरू कर लेना है, और जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उनके अंदर शिथिलता आती जाएगी, वो आलस महसूस करेंगे, अपने आप को डिप्रेस महसूस करेंगे क्योंकि वो एक्टिवनेस उनके अंदर नहीं रहेगी। लैपटॉप, टीवी या फोन की स्क्रीन के सामने इतने घंटे तक लगातार नजरें गड़ा के पढ़ना कहीं ना कहीं दिमागी क्षति भी पहुंचाता है, हमारे बच्चों की मेमोरी पर भी इससे फर्क पड़ता है। सामने अगर लगातार स्क्रीन पर देखते रहेंगे तो उसकी लाइट से आंखों पे तो दबाव पड़ता ही पड़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर भी भारी लगने लगता है और इस वजह से बच्चे पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते, और जब वो ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो नेचुरली उन्हें लगेगा कि उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों में कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ याद नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी को भी क्षति पहुंच रही है इस चीज से। अगर एक ही पोजीशन में बच्चे बैठे हैं, बच्चे क्या बड़े भी अगर एक ही पोजीशन में 3 से 4 घंटे बैठते हैं तो वेरिकज नस विकसित होने लगती है, मतलब कि पैरों में दबाव महसूस होने लगता है, सूजन आने लगती है, नसों में उभार महसूस होने लगता है, बच्चों में एंजाइटी की शिकायत भी बहुत आ रही है, क्योंकि जो ब्लू स्क्रीन है जिसको देखते वो 3 से 4 घंटे का समय दिन भर में बिताते हैं या उससे भी ज़्यादा का समय, कहीं ना कहीं उससे नींद डिस्टर्ब होती है, और जब नींद डिस्टर्ब होती है तो पूरा ही शरीर का चक्र गड़बड़ हो जाता है और हमारी बहुत सी बीमारियों का कारण यही है कि अगर प्रॉपर नींद नहीं ले पाते तो उन्हें वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है जिससे वो ठीक से रिवीजन कर सकें, याद कर सकें, क्योंकि टेस्ट भी साथ साथ हो रहे हैं, क्लासेस भी साथ साथ हो रही हैं, तो बच्चे अपने ऊपर बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं।
वो घबरा रहे हैं कि उनसे नहीं हो रहा है या उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो वो ये चीज़ें बहुत आराम से कर लेते थे, लेकिन अब उनसे नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं बच्चों को डरा रही है कि उनको याद नहीं हो रहा तो कुछ क्या कारण है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या कारण है, कहीं वो पढ़ाई में पिछड़ तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पढ़ाई में वो लेवल नहीं रहा है। तो क्या किया जाए? क्या ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाए? क्या बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ या पेरेंट्स भी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। नो डाउट अभी पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि बच्चे उनकी नज़रों के सामने हैं, घर में रहते हैं, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाते हैं, घर में ही क्लासेस ले रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी शारीरिक हेल्थ हो गई, उनकी मेंटल हेल्थ हो गई, इसको नुकसान पहुँच रहा है, इसका क्या किया जाए? क्या इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? इसके लिए कुछ रास्ते तो निकालने होंगे, क्योंकि बच्चों को हम इस तरह इन हेल्थ इश्यूज से प्रभावित होते हुए तो नहीं देख सकते। क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन अगर अभी से बीमार हो गई तो आगे क्या होगा? तो इसका कुछ हल निकाला जाए। स्कूल है या कॉलेज है, मैनेजमेंट को थोड़ा सा इसके बारे में सीरियस होके सोचना होगा। पढ़ाई अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना भी ज़रूरी है, उनकी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी देना ज़रूरी है। एक दिन का ऑफ मिलना काफ़ी है। एक दिन का ऑफ से बच्चे क्या अपने आप को पूरी तरह एक्टिव कर पाएंगे? नहीं। तो सोल्यूशन यही है कि 10 या 12 दिन की क्लास या चलिए 15 दिन की क्लासेस के बाद बच्चों को 3 या 4 दिन का ब्रेक देना चाहिए। स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को ब्रेक दिया जाए, कि वो स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट रखेंगे अपने मन में। क्योंकि बच्चे अपना गुस्सा तो उतारते हैं पेरेंट्स के आगे ही उतारते हैं कि स्कूल वाले बिल्कुल नहीं सोचते या टीचर्स को बिल्कुल ख्याल नहीं है, एक के बाद एक टेस्ट लिए जा रहे हैं, टाइम तो दे नहीं रहे हैं रिवीजन का, थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। इस तरह की बहुत सी शिकायतें बच्चे करते हैं। उनके मन में स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, टीचर्स के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। उनके लिए, उनके मन में मान सम्मान बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों को लेकर थोड़े से स्टेप उठाएं, कुछ डिसीजंस लें। पढ़ाई अपनी जगह सही है, लेकिन बच्चों की सेहत के साथ भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने तो ये बताया है। आपकी तरफ से कोई सलूशन है तो आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्यों ना बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ा सा सीरियस हुआ जाए और पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर से थोड़ा सा कम किया।